हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया है। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या न हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है, चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। और गर्व है भारतीय जनता पार्टी कि हमने राजनीति को इसकी विकासवाद की धारा के साथ प्रमुख रूप से बल दिया है। लेकिन साथियों, लेकिन हमें ये भी देख रहे हैं कि जो लोग विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते, मजबूरन विकासवाद में आना ही पड़ रहा है, तो उन्होंने राजनीति में विकासवाद को भी विकृति के दिशा में धकेल दिया है। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं, उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा, इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। साथियों, हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है, हम सबको याद है, जनसंघ के जमाने में जब हम कहीं हाशिए पर पड़े थे, कोई हमें जानता भी नहीं था, न उस नगर में जानता था, न उस राज्य में जानता था, न उस जिले में जानता था, फिर भी उस जमाने में जब हमारे बात को कोई कानों पर धर ले, ये संभावना भी नहीं थी, उस समय भी जनसंघ के जमाने में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पुरानी पीढ़ियां जिन नीतियों पर डटे रहे, जिन नीतियों को लेकर के चलते रहे, कार्यक्रम करते रहे, उसकी मुख्य धारा थी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण, यही प्राथमिकता थी। हम सत्ता से कोसों दूर थे, फिर भी उस जमाने के छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ताओं का मातृभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि की निष्ठा, उसमें इतनी ताकत थी कि सत्ता के ऊपर बैठे काविज बड़े बड़े लोगों को भी भारतीय जनसंघ की उस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय विचारधारा को वो कभी चुनौती नहीं दे पा रहे थे। जाने अनजाने में भी
उसके महत्व को समझना पड़ता था, स्वीकार नहीं करते थे, समझना पड़ता था। और आज भाजपा की नीतियां उसी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर विकास पर केंद्रित हुई है, विश्वास पर केंद्रित है। इसलिए साथियों, हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है। कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। और ये कोर इश्यूज क्या है? गरीब का कल्याण, गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें कभी भी भटकना नहीं है। और मैं आपको सतर्क भी करूंगा, आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होंगी, लेकिन आपको देश के विकास से जुड़े विषयों पर ही टिके रहना है। हम देखते ही हैं कि आज का किस तरह कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। मैं जानता हूं कि आप अपने संवादों में, बातचीत में, संबोधनों में, पत्रकार वार्ता में अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए, ठीक है, वो खबर कोई फ्रंट पेज पर नहीं छापेगा, टीवी के पर्दे पर नहीं दिखाई देगी। अगर आप कहेंगे कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था हमने की है, हो सकता है कोई उसको कान पे न धरे। 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों की बात अगर हम करें तो हो सकता है टीवी में, मीडिया में, अखबार में, सुर्खियों में नजर न भी आए। मैं जानता हूं कि आप 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की बात करेंगे, हो सकता है उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसको भी कभी अखबार के पन्नों पर नहीं दिखाई देगी, टीवी पर नहीं बताया जाएगा, हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप हर घर जल की बात करेंगे, हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, आप देश में डिजिटल क्रांति की बात करेंगे, फिनटेक की बात करेंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। ये इकोसिस्टम उसको तवज्जो नहीं देने देगी, उस बात को आगे नहीं बढ़ने देगी। आप प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाएंगे, डेमोक्रेसी के ट्रू स्पिरिट को हिंदुस्तान के आजादी के अमृत महोत्सव में लाकर के खड़ा कर देंगे, तो आंखें मूंद ली जाएगी, चुपकी दी रख ली जाएगी, होगा। अब जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, कोई हेडलाइन नहीं बनेगी, टीवी पर वो बात चमकेगी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी साथियों, हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है, विकास के मुद्दों पर टिके रहना है, देश हित के मुद्दों पर टिके रहना है। कभी न कभी मजबूरन उनको भी इन मुद्दों की सकारात्मक रूप में स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। बस हम इस इकोसिस्टम के गब्बारों में उसको एड्रेस करने की कोशिश में न लगे जाए। साथियों, ऐसा करके ही इस अमृत काल में हम देश की राजनीति को पूरी तरह
विकास पर केंद्रित कर पाएंगे।